दोस्तों यहाँ पे खुद का पैसा मतलब कि गेम खेलने के चक्कर में SBI अकाउंट को साइबर क्राइम ने ब्लॉक कर दिया। और आपको बता दूं कि रखा जो पैसे कमाए थे और जो पैसे थे सब चला गया। चलिए बताने वाले हैं, ब्लॉक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों आज के टाइम की बात करूं तो लालच इतना बढ़ चुका है कि लोग यहाँ वहाँ गेम खेल के, किसी से बात करके, चैटिंग करके नए नए तरीके से लोग पैसे कमाना चाहते हैं। और आपको बता दूं जो पैसे आपके पास आते हैं एक किसी ना किसी का पैसा रहता है, और इधर से हेर फेर करके किसी का लॉस गया, किसी का कट गया, आपको दे दिया, उनका उनको दे दिया, इस तरह से गेमिंग का सिस्टम चलता है। और इस चक्कर में पड़ के हमारे ये व्यूवर्स हैं जो कि ये बता रहे हैं कि मैं गेम खेलना चालू किया, काफ़ी अच्छा खासा पैसा आया, 30,000 प्लस पैसे मैंने जनरेट किए, अकाउंट में लिया और एक महीने के लमसम के मेरा अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है साइबर क्राइम की तरफ से। क्यों दोस्तों, मैं आपको बता दूं गेम इतनी बुरी चीज है। मैं आपके आज के टाइम की बात करूं कि बड़े बड़े एक्टर लोग गेम का प्रमोशन करते हैं और लास्ट में क्या बोलेंगे, ये रिक्सी है, आप अपने जिम्मेदारी पे ही इस चीज को आप खेलें। अगर दोस्तों ये जेन्युइन चीज होती तो इसके बारे में बड़े बड़े एक्टर तो इसको प्रमोट करके बड़े बड़े पैसे लेके बैठ जाते हैं, एक बड़ी अमाउंट लेके बैठ जाते हैं, बट आपको वार्निंग लास्ट में दे देते हैं, भैया ये रिक्सी है, अपने जिम्मेदारी पे ही खेलें। फिर भी लोग नहीं मानते हैं। किसी का यूट्यूब पर वीडियो देख लिया, कोई बता दिया कि मैंने इतना पैसा जीत गया, उसके पीछे का कहानी नहीं जानेंगे और वो भी अपना पैसा लगाना चालू कर देंगे और इस तरीके से लोग इस माया जाल में फंस के बहुत कुछ गंवा देते हैं। मैं अपने भाई की बात कर रहा हूं, मतलब कि गेम खेलना चालू किया, 6,000-7,000 रुपया जीत गए तो दिमाग में लालच आया क्यों ना और पैसे लगा दूं, और पैसे कमा लूंगा, जितना कमाया था उसका 2-3 गुना लगा दिया, हार गए, मतलब कि जो घर का उर्दी था वो झगड़े में चला गया, जो पैसे कमा के बचाए थे वो भी चला गया, और जो जीते थे वो तो उनका हो ही गया। पहले आपको चारा डालेंगे। मैं शुरू शुरू में बता रहा हूं, क्रीड़ा ऐप नाम का एक ऐप था, प्ले स्टोर पे, बहुत पुराना था, उस पर काफी बढ़िया पैसा मिलता था गेम खेलने का। मैंने एक दिन ट्राई किया, करीबन 1,000 से 1,200 रुपये मैंने उस पर जीता। जीतने के बाद जो है हमने और पैसे लगाए, अब देखा कि इसमें बहुत बुरी हरकत हो रही है, मैंने उसको खेलना बंद कर दिया। अब साइबर क्राइम अकाउंट को कैसे फ्रीज करता है, जो लोग मल्टीपल गेम खेलते हैं, आप गेम खेलोगे, अकेला गेम खेलोगे नहीं, उसमें ग्रुप टीम बनाई रहेगी, किसी ना किसी का लॉस जाएगा, कुछ कंपनी उसका होनर रखेगा, कुछ आपको देगा। अब दोस्तों किसी का पैसा बड़ा अमाउंट लॉस जाएगा तो भैया चुप नहीं बैठेगा, वो क्या करेगा, साइबर पुलिस में कंप्लेन करेगा। अब साइबर पुलिस को ट्रैक करेगी ये पैसा कहाँ गया, किसके थ्रू गया, किसमें क्रेडिट हुआ, मल्टीपल अकाउंट को फ्रीज करेगी। और ये दिक्कत हुआ इनके साथ, SBI अकाउंट फ्रीज हो गया, अब ये दौड़े, जल्दी अनफ्रीज नहीं होने वाला है, चारों धाम आप घूम लो, हर जगह घूम के देख लो, ये जल्दी अनफ्रीज नहीं होगा, टाइम लगेगा, वो भी कितना टाइम लगेगा ये मैं आपको नहीं बता सकता। और इसका पूरा क्लियर होगा साइबर ऑफिस से ही, पूरा आपको ब्यौरा देना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है, फिर भी ये दिक्कत में लोग नहीं मानते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा, गेम का लत बिल्कुल मत पकड़ना। कोई आपको बोले हेलो मैं यहां से बात कर रहा हूं, आपको मैं पैसा भेजता हूं अपने अकाउंट में, रिसीव कर लो और आपको कमीशन मिलेगा, एक काम बिल्कुल मत करना, फ्रॉड का पैसा किसी ना किसी अकाउंट में भेजेंगे और उनके थ्रू आपके अकाउंट उनके अकाउंट में चला जाएगा, फंसोगे कौन, आप फंसोगे, वो तो गायब हो गया, ये गलती मत करना। ये पूरी स्टोरी जो मैं आपको शेयर किया हूँ, 30,000 प्लस अकाउंट फ्री पैसा चला गया और फ्रीज भी हो गया, जो कमाया था सब चला गया, ऊपर से बदनामी भी, आप कुछ समझदार है। वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।